गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज शुभांगी मिस फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 18th लेसन इज इन, ऑन, अंडर एंड ओवर। इन, ऑन, अंडर एंड ओवर। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट पिक्चर। द मैंगोज आर इन द बास्केट। द मैंगोज आर इन द बास्केट। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मैंगोज हैं, है ना। द मैंगोज, वन मैंगो नहीं है बल्कि बहुत सारे मैंगोज है। ओके, सो द नाउन इज मैंगोज। द मैंगोज बहुत सारे हैं। सो हमने क्या यूज किया है, आर। अगर मैंगो होता तो इज लिखते, लेकिन बहुत सारे मैंगोज है सो प्यूरल नाउन, सो वी हैव टू यूज आर। और मैंगोज किस में है, टोपली के अंदर है, दैट मीन्स इन। द मैंगोज आर इन द बास्केट। देन सेकेंड पिक्चर इज द बुक्स आर ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर बुक्स रखे हुए हैं, सो वी हैव टू से द बुक्स आर ऑन द टेबल। एक बुक नहीं है, एक बुक होती तो हम बोलते द बुक इज, बट देयर आर मेनी बुक्स आर हियर। ओके, सो वी हैव टू से द बुक्स, और बहुत सारी है इसलिए हमने आर का यूज किया है। द बुक्स आर ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, बुक के ऊपर, ऑन यानी ऊपर। ओके, द बुक्स आर ऑन द टेबल। इज एम आर का यूज कैसे करना है हमने देखा था लेसन में, राइट। आज हमको इन, ऑन, अंडर और ओवर का यूज देखना है। अब ये मैंगोस टोपली में थे तो हमने इन का यूज किया है। इन यानी अंदर, किसी चीज के अंदर। और ये देखो, किसी चीज के ऊपर, सो वी हैव टू यूज ऑन। द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब देखो, वेयर इज कार, ये कैट कहाँ है, वेयर इज कैट। द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट इज अंडर कब यूज करेंगे, कि किसी चीज के अगर नीचे हो, कैट ये टेबल के नीचे बैठी है तो ऐसे में हम बोलेंगे अंडर। द कैट अंडर द टेबल, कैट टेबल के अंदर है। द कैट इज अंडर द टेबल। द फैन इज ओवर द टेबल। टेबल के ऊपर क्या है, फैन है, सो वी हैव टू यूज ओवर। द फैन इज ओवर द टेबल। तो देखो बच्चों, और एग्जांपल्स थ्रू हम देखते हैं हाउ टू यूज इज, ऑन, अंडर एंड ओवर। सो लेट्स सी एक्सरसाइज नंबर बी। फिल इन द ब्लैंक्स विद इन, ऑन, अंडर और ओवर। द क्रो, द क्रो पिक्चर में देखो कि कौवा कहाँ बैठा है, वॉल के ऊपर बैठा है, मतलब ऑन। द क्रो इज ऑन द वॉल। कौवा वॉल के ऊपर बैठा है। द क्रो इज ऑन द वॉल। द क्रो इज ऑन द वॉल। देन सेकंड पिक्चर्स देखो, बर्ड्स ये हाउस के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, so we have to call the birds are flying over the house. the birds plural noun hai, so we have to use are. flying over, house ke upar se, over the house. the birds are flying over the house. the next sentence is the newspaper is on the stool. newspaper stool ke upar rakha hua hai, so we have to use on. the newspaper is on the table. अब shoes table के नीचे रखे हुए हैं, तो table के नीचे है, that means we have to use under. अब बोलेंगे कैसे, the shoes are under the stool. the shoes are under the stool. now let's see next sentence. अब देखो, ये बच्चे जो है वो बोट के अंदर बैठे हैं, है ना, बोट के अंदर बैठे हैं। द बोट इज इन द रिवर। अब देखो, ये जो
बोट है, ये बोट पानी में है, पानी में है, सो इन बोलेंगे। द बोट इज इन द रिवर, देयर आर थ्री पीपल इन द बोट। ये थ्री पीपल बोट में बैठे हैं और ये जो बोट है वो पानी में तैर रही है ना। द बोट इज इन द रिवर एंड देयर आर थ्री पीपल इन द बोट, तो इन का यूज करेंगे हम। देन नेक्स्ट, द वुमेन इज कैरिंग अ बास्केट। अब देखो, द बास्केट इज ऑन हर हेड। ये जो टोपली है, ये बास्केट है फूलों की, ये उसके हेड पर है, ओवर है, तो बोलेंगे द बास्केट इज, देखो ऑन द हेड, सॉरी द बास्केट इज उसके सर के ऊपर है ना, ऑन हर हेड, तो ऑन का यूज करेंगे। एंड देयर आर फ्लावर्स, फ्लावर्स टोपली में है तो इन में इन यूज करेंगे हम। देयर आर फ्लावर्स इन द बास्केट। देन नेक्स्ट सेंटेंस, द मैन इज अंडर द ट्री। ट्री के नीचे खड़ा है वो। द मैन इज अंडर द ट्री, वी हैव टू यूज अंडर। द मंकी इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, है ना। द मंकी इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच, ब्रांच के ऊपर बैठा है, सो वी हैव टू यूज ऑन। ओके बच्चों, तो इस तरह से अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो हम इन का यूज करेंगे, ओके और कोई चीज किसी चीज के ऊपर है तो हम ऑन का यूज करेंगे, है ना। और कोई चीज किसी चीज के नीचे है, खड़ी या बैठी, तो उस समय हम अंडर यूज करेंगे। और जैसे कि ये बर्ड्स हाउस के ऊपर से उड़ रहे हैं, तो उस टाइम हम ओवर का यूज करेंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा लेसन, इन, ऑन, अंडर एंड ओवर। तो ये जो बी एक्सरसाइज है ये आप कंप्लीट करिएगा, ओके, तो आपको ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन, ऑन, अंडर की अच्छे से तैयारी करिएगा बच्चों, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।